गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं विक्टर के इस न्यू पार्सल की। अब देखते हैं इस विक्टर वाले पार्सल में कौन सा नया रैकेट है जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए आपने वीडियो में क्लिक करा है। तो एक बार खोल लेते हैं फटाफट से। तो आपको कवर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब इसका खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिस्ट्री रैकेट है। और ये जबरदस्त रैकेट देखने को मिलता है विक्टर की तरफ से। इसका नाम है थ्रस्टर रघुआ TD। तो ये आप इसको विक्टर रघुआ 2 का छोटा भाई भी कह सकते हो। तो फर्स्ट लुक के बारे में बात करूं तो यार रैकेट तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस रैकेट के बारे में बात करूं तो बैलेंस थोड़ा सा हेड हैवी की तरफ जाता है इसका बैलेंस पॉइंट, तो कंट्रोल के लिए काफी अच्छे रहते हैं इस टाइप के रैकेट। और बाकी ये तो सारा ऑन पेपर है, मैं इसे टेस्ट करके देखूंगा तो फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। सबसे पहले इस रैकेट के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यूज किया गया फ्लेम रेड कलर के साथ, और ऊपर से व्हाइटिश कॉन्ट्रास्ट दिया गया है पूरे रैकेट में। पूरे ही फ्रेम और रैकेट के डिजाइन में आपको टाइगर क्लो डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसे टाइगर के क्लोज हैं। काफी ज्यादा शार्प डिजाइन है पूरे ही ओवरऑल रैकेट में। भाई एक चीज विक्टर के रैकेट में चेंज हो गई है, वो है उसकी हैंडल कैप, और साथ के साथ आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी गई है। आप इसके आर पार देख सकते हो, इसके पूरे शाफ्ट को भी देख सकते हो अंदर से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऊपर लिखा हुआ है विक्टर। और अगर आप बॉटम साइड वाली कैप को देखोगे ध्यान से तो यार वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी गई है। आप इसके अंदर भी बिल्कुल देख सकते हो इसके कैसी फाउंडेशन है, इसकी शाफ्ट की कैसे अटैच किया गया। एक बार आप ध्यान से देखो इसको, देखने में यार काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, ऐसा लगता है किसी 3D वर्ल्ड स्पेस में आ गए हैं। तो इस रैकेट के बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो इस रैकेट में आपको G6 ग्रिप साइज देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टेंशन 29 LBS है, और इसमें हाई मॉडुलस रेजिलियंस ग्रेफाइट यूज किया गया जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है पूरे ही फ्रेम को। और इस रैकेट का वेट 4U है, तो 4U वेट कैटेगरी 80 से 84 ग्राम्स के बीच में जाता है, तो ये काफी ज्यादा बैलेंस वेट लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5U थोड़ा सा लाइट हो जाता है और 3U थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है। इस रैकेट में लिख तो रखी है 29 LBS मैक्सिमम टेंशन, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसमें मैंने 30 LBS टेंशन करवा रखी है। एक बार आप इसकी साउंड सुनो, एकदम कड़क माल है। तो इस रैकेट में आपको फ्री कोर टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो आपके पूरे रैकेट हैंडल को बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट बना देता है, ताकि आपके पैरेलल ड्राइव्स में कोई दिक्कत ना आए। और साथ के साथ इसमें हार्ड कोर टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो इंस्पायर्ड है हेलीकॉप्टर के रोटेटर ब्लेड से। जैसे आपकी कार्बन फाइबर प्लेट एक के ऊपर एक रखी जाती है, तो उससे क्या होता है इसकी पूरे ही रैकेट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और परफॉर्मेंस भी थोड़ी इनहेंस हो जाती है। और इस रैकेट की स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इसमें पावर बॉक्स फ्रेम का यूज किया गया है। आप जब भी आप शॉट खेलते हो तो आपका शॉट एकदम एक्यूरेट जाए, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है इस रैकेट में। तो यार इस रैकेट को मैंने खुद टेस्ट करके देखा है, तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल और इसके स्विंग स्पीड की। यार स्विंग स्पीड तो काफी सही है इस रैकेट में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके हिसाब से काफी ऑप्टिमाइज्ड है। काफी ज्यादा फास्ट पेस शॉट्स आप खेल सकते हो पैरेलल ड्राइव्स। जब भी आप कोई भी शॉट खेलते हो, जैसे आगे फ्रंट में पुश कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा मदद देखने को मिलेगी। टॉसेस और पंच क्लियर में यार ये रैकेट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। जब भी आप खेलोगे तो आपको पावर में कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। जब बेसिकली रैकेट कंट्रोल के लिए बनाया गया है, जब भी आप कोई कंट्रोल गेम खेलते हो या फिर रैली गेम खेलते हो तो काफी ज्यादा आपके शॉट की एक्यूरेसी मैटर करती है, तो उस केस में ये रैकेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये रैकेट किन प्लेयर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, मेरे हिसाब से ये रैकेट कंट्रोल रैली प्लेयर्स और जो भी प्लेयर्स ज्यादा डिफेंस प्रेफर करते हैं बजाय की अटैक के, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर इस रैकेट के अटैक के बारे में बात करूं तो यार जब मैंने स्मैश मार के देखा तो उसमें एवरेज पावर आपको देखने को मिली, पर जो लोग मानते हैं कि भाई उनके हाथ में ज्यादा पावर है तो यार डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। इस रैकेट का प्राइस आपको अराउंड मिलेगा, ये वेरी कर सकता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर पे, तो मैंने लिंक दे दी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये खरीदना है तो वहां पे जाके खरीद सकते हो। और यार सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स, नहीं रिलेटिव्स के साथ शेयर मत करना।